राजधानी दिल्ली के घिटौरनी इलाके में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 1 कर्मचारी की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि 5 कर्मचारी इलाके के ही एक घर में टैंक की सफाई के लिए उतरे थे, लेकिन जब ये लोग लंबे समय तक बाहर नहीं निकले तो पुलिस की मदद से जैसे तैसे इन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने 5 में से 4 कर्मचारियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 1 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं मृतकों के परिजनों का आरोप है कि घर के मालिक ने टैंक से अपशिष्ट पदार्थों की पाइप जोड़ रखी थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। वैसे सफाई कर्मचारियों की मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल 1 मई यानी मजदूर दिवस को हैदराबाद में एक मेन होल को साफ करते हुए 2 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी। उससे पहले 2015 में भी दिल्ली के पास नोएडा में इसी तरह मल साफ करने वाले 3 कर्मचारियों की जान चली गई थी। वैसे हर साल इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। मल साफ करने वाले ये बेशिनाख्त लोग पूरी जिंदगी बदबूदार अंधेरों में रहते हैं और वहीं दम भी तोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को पूछने वाला कोई नहीं होता। यहाँ सवाल उठता है कि क्या ऐसे लोगों को सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए? अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालकर समाज के लोगों का जीवन शुद्ध करने वाले ये लोग क्या मुआवजे के हकदार नहीं हैं? देखते रहिए डीबी लाइव।